हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालू प्रिंसी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज का व्लॉग मैं कार में शुरू कर रही हूँ। और आज ना मैं मतलब आप मेरा एक व्लॉग पीछे देखोगे, सो गाइज हम लोग अभी पेट्रोल पंप पे हैं और आनंद अपने ये पेट्रोल और टायर में हवा वगैरह ले रहे हैं, तो इसीलिए। सो गाइज आज का व्लॉग मैं कार में शुरू कर रही हूँ। और कार में शुरू करने का रीजन है, आप मेरे एक दो व्लॉग पीछे देखो, एक व्लॉग पीछे देखोगे ना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक व्लॉग आप पीछे देखोगे ना, तो हम कहीं जाने वाले थे शॉपिंग करने के लिए, बट हम नहीं जा पाए। क्या रीजन था नहीं था आप उस व्लॉग में जाके देखना, मैं लिंक डाल दूंगी। मेरे साथ ऐसा गलती हमेशा होता है, मैं बोल देती हूँ लिंक डाल दूंगी और मैं ना भूल जाती हूँ एडिटिंग के टाइम में और अपलोड कर देती हूँ, तो ये मिस्टेक इस व्लॉग में नहीं होगी, आप देखिएगा। और अगर हुई तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम यहाँ पे पेट्रोल पंप पे हैं और दोपहर का टाइम है गाइस, आज दोपहर में ही निकले हम। शाम को निकलो फिर वापस आओ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कोयम्बटूर जाने आने में। और आपको तो पता है कि हमें शॉपिंग करने या कोई भी ग्रोसरी भी लेने, कुछ भी लेने, हम कोयम्बटूर ही जाते हैं। और मंथ एंड भी हो रखा है तो मेरे ग्रोसरी भी थोड़ी बहुत लेनी है, मतलब मिक्स चीज़ें लेनी है, ग्रोसरी और आगे सारी चीज़ें आपको हम दिखाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे हैं पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल वाले जो अंकल हैं वो अपना भर रहे हैं पेट्रोल, और वो एयर टायर्स में यहाँ पे हैं आनंद, हेलो, और पीछे शानवी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं गेम खेल रही हूँ और आज का मेरा ड्रेस ये है। हाँ, तो गाइज ये शानवी ने अपने अपडेट दे दिया है कि वो गेम खेल रही है और आज का उसका ड्रेस भी यही है। और ये गाइज मेरे नेल्स अभी तक नहीं निकले, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, इतने अच्छे लग रहे हैं ना, सुंदर सुंदर से नेल्स मैंने करवाए थे। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, और जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूँ कि आप मेरे जो चैनल पे जाइए, और कुछ बेंगलोर और हुगली ट्रिप के अभी कुछ वीडियोज़ मैंने डाले हैं, वो देखिए, और आपको बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग से व्लॉग्स मिलेंगे जो भी मेरे चैनल पे नए हैं। और प्लीज़ हिट बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि नए आने वाले नोटिफिकेशन मिल जाएं। गाइस बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप देखिए ये ब्लैक कलर का, ये जो इसको क्या बोलते हैं, सनशेड, हाँ आनंद ने मुझे बताया, ये सनशेड हम लगाए रखे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है बाहर, रुकिए मैं बैक कैमरा से आपको धूप दिखाती हूँ। तो गाइज ये देखिए, ये ऐसा मौसम है, ये कार के अंदर भी इतनी धूप आ रही है, बट हमने ये सनशेड लगा रखा है तो थोड़ा सा राहत है, और एसी चल रहा है। इतनी गर्मी में भी गाइज अगर कोई राहत दे देना तो वो एसी ही है और कुछ नहीं है, मतलब एसी के बिना आप सरवाइव करना इतना मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पे गाने बज चुके हैं तो चलिए चलते हैं गाइज। यहाँ पे सबसे पहले हम आ गए हैं जूडियो, और ये हमारे घर से थोड़ी दूर पे एक जूडियो का न्यू आउटलेट खुला है। गाइज हमारे घर से लेके कोयम्बटूर में ना इतने सारे जूडियो के आउटलेट्स हैं, इतने ज़्यादा स्टोर खोल चुके हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ पे आनंद आए हैं और आनंद अपने लिए लूज टी शर्ट देख रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मैं आपको दिखाऊँगी कि हम क्या क्या शॉपिंग कर रहे हैं या किए हैं, तो इसी व्लॉग में दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं अपने लिए भी कुछ कुछ एक्सप्लोर कर रही हूँ कि शायद मुझे भी कुछ दिख जाए। पर यूडियो पे ना मोस्टली आपको वेस्टर्न वेयर, टॉप्स, वन पीसेस, इस टाइप के ड्रेसेस ना बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और बहुत ही अच्छे और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलते हैं। तो यहाँ पर आनंद अपने लिए टी शर्ट्स देख रहे हैं, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में डेली वेयर टी शर्ट्स बहुत ही अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। और यहाँ पे किड्स गर्ल्स की भी अच्छा कलेक्शन था क्योंकि ये न्यू स्टोर खुला है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा अच्छा कलेक्शन था। यहाँ पे देखिए गाइज मैं आ गई हूँ और मैं एक छोटे से बेबी के लिए एक ड्रेस देख रही हूँ, आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा कि मैं किसके लिए देख रही हूँ और क्या ले रही हूँ। और मुझे यहाँ पे शानवी के लिए भी पजामे वगैरह लेने थे, बट अभी यहाँ पे पजामे अवेलेबल नहीं थे क्योंकि गर्मियों का मौसम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, गर्ल्स का कलेक्शन इतना अच्छा आया है ना, इतना अच्छा लेडीज़ कलेक्शन है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई और मैं यहाँ पे नेल पॉलिश ले रही हूँ, यहाँ पर मैं 4K सेट में नेल पेंट ले रही हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा 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 शेड देखने को मिल गया, तो मैंने यहाँ पे नेल पेंट लिया सबसे पहले। उसके बाद गाइज हमारी जूडियो की जो शॉपिंग है वो हो चुकी है, और आनंद यहाँ पे बिल काउंटर पे बिल करवा रहे हैं,
और यहाँ पे देखिए शान भी मस्त अपनी मस्ती कर रही है और आनंद यहाँ पे बिल करा रहे हैं। और यहाँ पे बिल काउंटर पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हम दोपहर के टाइम पे आए थे ना फ्रेंड्स, तो एक बेनिफिट यहाँ पे था कि भीड़ कुछ नहीं मिला। उसके बाद गाइज हम पहुँच गए ब्रुकफील्ड मॉल, और यहाँ पे आप देखिए ब्रुकफील्ड मॉल आते ही आप किसी भी टाइम पे आओ, वीकेंड्स पे अगर आ रहे हो ना, पार्किंग का इतना ज़्यादा इशू होता है ना, इतना ज़्यादा इशू होता है ना, इतना ज़्यादा कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ पे हम आधे घंटे वेट करते रह गए कार में कि हमें अब पार्किंग मिलेगी, अब पार्किंग मिलेगी। फिर फाइनली हमें पार्किंग मिल ही गई। और यहाँ पे देखिए शानवी भी बोर हो रही है कि मम्मा कब चलेंगे, कब चलेंगे, कब चलेंगे अंदर, और उससे वेट नहीं हो रहा था। और हमें भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं वेट ही कर रही हूँ कि कब हमें पार्किंग मिले और हम जल्दी से मॉल में एंटर हों। शानवी क्या खाना है ये बताओ? पिज़्ज़ा 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 मैन। पिज़्ज़ा खाना इतना पसंद है तुमको? पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा खाना है? पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। सो गाइज मेरी पिज़्ज़ा को पिज़्ज़ा खाना है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा पिज़्ज़ा आ गया है और हमने तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, और यहाँ पे गार्लिक ब्रेड विथ कोक आ गया है। और शानवी से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है, इतना गर्म है गार्लिक ब्रेड, बट उसे बस जल्दी जल्दी से खाना है, आप देख सकते हैं। तो मैं उसे खिला रही हूँ और यहाँ पे मस्त आनंद भी अपना पिज़्ज़ा इंजॉय कर रहे हैं, मैं भी पिज़्ज़ा खा रही हूँ। और शानवी का तो फेवरेट है ही, उसको पिज़्ज़ा दे दो फिर कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए शानवी कितना मस्ती से अपना पिज़्ज़ा इंजॉय कर रही है, और मुझे भी पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। किस किस को पिज़्ज़ा पसंद है मुझे बताइएगा। उसके बाद खाने के बाद हम आ गए इजी बाय के स्टोर में, और यहाँ पे मैं शानवी के लिए ले रही हूँ पजामा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पजामा जो है ना बहुत ही अच्छा फैब्रिक मिल जाता है इजी बाय में और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे, तो मैं यहाँ पे शानवी के लिए पजामा देख रही हूँ। और मैंने आपको बताया था ना कि मुझे एक छोटे बेबी के लिए भी ड्रेस लेना है, तो मैं यहाँ पे वो भी देख रही हूँ, और मैंने एक ड्रेस सेलेक्ट भी की है, बट मैं ये ड्रेस लूँगी या नहीं लूँगी आप आगे मेरे व्लॉग में देखिएगा। यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो चुकी है गाइज, हमें शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हम फटाफट 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 से शॉपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स मुझे कुछ और भी दिख गया, तो मैं वो भी देखने चलाई ना। लड़कियों का इतना ज़्यादा ऑप्शन होता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, ऐसा लगता है ना कि सारी ही ले लूँ। और जितने भी वैरायटी होती है ना, इनका वैरायटी बहुत है बॉयज़ के अकॉर्डिंग, बॉयज़ के मुकाबले। उसके बाद यहाँ पे शानवी को मोज़े लेने थे, तो यहाँ पे शानवी अपने लिए मोज़े भी सेलेक्ट कर रही है, क्योंकि ठंडी हो जाती है कभी कभी, या कुछ कुछ ड्रेस पे मोज़े अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे मैं शानवी के लिए मोज़े भी ले रही हूँ। और यहाँ पे वो वही बोल रही है, मम्मा मुझे ये दिला दो, मम्मा मुझे वो दिला दो। बच्चों को ना आजकल की जितनी शॉपिंग कराओ ना उनके लिए उतना ही कम है, तो यहाँ पे मैंने शानवी के लिए मोज़े और जो भी चीज़ें मुझे लेनी थी हम ले चुके हैं। लेने के बाद गाइज हम कार में बैठ गए, और यहाँ से अब हम जा रहे हैं लुलू की तरफ। आपको पता ही है कि मैं ग्रॉसरी हो या छोटी मोटी चीज़ें घर की ना, मैं लुलू से ही लेती हूँ। जहाँ पे लुलू है वहाँ पे और भी सारी शॉप्स हैं, तो मैं लुलू से ही लेती हूँ, तो मैं लुलू चली गई। और यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले मैं जा रही हूँ रामराज कॉटन में, ये एक साड़ी और कॉटन की चीज़ों का शोरूम है। मुझे यहाँ से लेना था एक ब्लाउज़ का पीस, मेरा एक साड़ी का ब्लाउज़ ख़राब हो चुका है, मैंने आयरन से जला दिया उस साड़ी के ब्लाउज़ को, तो मुझे उसके मैचिंग का ब्लाउज़ लेना था, और मुझे सिल्क फैब्रिक में ब्लाउज़ लेना था। और यहाँ पे बहुत ही बड़ा स्टोर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आई यहाँ पे लेने, बट यहाँ पे सिल्क फैब्रिक का कोई भी ब्लाउज़ अवेलेबल नहीं था, और जो भी ब्लाउज़ था नॉर्मल कॉटन ब्लाउज़ था, तो फिर मुझे नहीं ली मैं। उसके बाद मैं आ गई गाइज मीनीशो, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा मीनीशो खुला है, और यहाँ पे आई लव कोयम्बटूर, ये जो कंपाउंड है ना जहाँ पे लुलू है, यहाँ पे 8-10 शोरूम्स हैं और अलग अलग शोरूम्स हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे शोरूम्स हैं, और कुछ शोरूम्स यहाँ पे ओपन भी हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पे भी आना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम आ गए मीनीशो, और मीनीशो में आने के बाद तो ऐसा लगता है ना कि मैं क्या क्या ले लूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं कैप और बाकी सारी चीज़ें देख रही थी, मैं इस वाले मीनीशो स्टोर में पहली बार आई हूँ, तो मेरा मन था कि मैं अच्छे से इसे एक्सप्लोर करूं, बट हम मुझे ना एक तरफ शानवी को अभी ध्यान देना पड़ता है, कहीं वो कोई शैतानी ना कर दे, कहीं वो कोई बदमाशी ना कर दे। फिर मुझे यहाँ पे ईयरबड्स दिख गए, तो मैंने अपने लिए ईयरबड ले लिया, और यहाँ पे शानवी को आई पैक दिख गया, या आई मास्क था आई थिंक, जो कि उसके काम का बिल्कुल नहीं था,
तो मैंने उसे नहीं दिलाया। उसके बाद गाइज यहाँ पे छोटी 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 इतनी सारी आइटम थे ना, इतने सारे आइटम थे, मैं आपको क्या ही बताऊँ। गाइज मिनीशो का कलेक्शन ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे वो परफ्यूम हो, चाहे होम डेकोर हो, बाकी जितनी भी चीज़ें, मुझे मिनीशो का बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक दो चीज़ें ही लेनी थी, तो मैं यहाँ पे एक ईयरबड हो गया, मैंने वो लिया। शीट मास्क मैं ढूंढ रही थी अपने लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने लिए शीट मास्क ढूंढ रही, और इनका इतना यूज़ वेराइटी है ना शीट मास्क वगैरह का भी। फिर मैंने शीट मास्क लिया, उसके बाद मैं आ गई लुलू, और लुलू में आने के बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं चिकन, क्योंकि शानवी को चिकन खाने का बहुत मन था, और वो कह रही है कि मम्मा चिकन बड़ा ही यम्मी लगता है मम्मा। तो यहाँ पे शानवी के लिए ली हूँ मैं चिकन, और हमारे लिए भी, और घर पे जाके हम चिकन बनाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं मतलब कटा हुआ पीस इतना ज़्यादा है ना, चिकन तो चिकन, यहाँ पे फिशेस का भी बहुत ही बड़ा कलेक्शन है। आप देख सकते हैं आप जैसा भी फिश चाहो ना वैसा भी फिश मिलता है। और आज इतने दिनों बाद मुझे एक यूनिक चीज़ दिखा, नॉनवेज अचार, किसी ने सुना है फिश अचार? सो गाइस हम आ गए वापस, और अभी जस्ट आए और आके मैंने चेंज कर लिया है। गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और इस गर्मी में सबसे कंफर्टेबल मुझे इस तरह का ये नाइट सूट, नाइटी कह सकते हैं या मैक्सी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, तो मैंने वो पहन लिया है बाहर से आने के बाद। गाइस मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि मैं क्या शॉपिंग करके लाई हूँ आप सभी को दिखाने के लिए, तो चलिए क्विकली मैं दिखा देती हूँ फटाफट से क्या क्या शॉपिंग हुई है आज। गाइज गई थी मैं अपनी शॉपिंग करने, पर आप देखना मैं अपने लिए क्या लाई हूँ, और बाकी आज जो शॉपिंग हुई है ना मेरे हस्बैंड की हुई है, मतलब शॉपिंग तो आज उन्हीं की हुई है। तो सबसे पहले मैं लेके आई हूँ ये एक शर्ट, ये शर्ट है ऐसे फोल्ड किया हुआ है, तो ये आनंद को बहुत पसंद आ गया था, तो आनंद ने ये अपने लिए शर्ट किया है। जब वो पहनेंगे तो इसका फुल लुक मैं आपको दिखाऊंगी, अभी न्यू शर्ट है, हम कहीं जाने भी वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग व्लॉग आएंगे, तो आप देखिएगा। ये सबसे पहले लिया उन्होंने एक शर्ट, और आनंद ने ली है अपने लिए ये वाइट टी शर्ट, ये वाइट टी शर्ट, और ये पीछे ऐसा बैकग्राउंड है, तो दो ये आनंद का हो गया। उसके बाद ली हूँ मैं शानवी के लिए सॉक्स, क्योंकि हम ट्रैवल करते रहते हैं और एसी बोगी में काफ़ी ज़्यादा ठंड लगता है, और राजधानी वगैरह में बहुत ठंड होता है एसी का टेम्परेचर की वजह से, तो मैंने ये दो सॉक्स ले लिए। शानवी के सारे सॉक्स छोटे हो गए थे, तो शानवी के लिए मैंने सॉक्स। उसके बाद मैं ली हूँ ये क्यूट सा एक फ्रॉक, अब आप सोचोगे ये क्यूट सा फ्रॉक मैं किसके लिए ली हूँ, तो चलिए मैं बताती हूँ। हमारे नेबर में छोटी सी बच्ची आई है, बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही प्यारी सी, तो वो हमारे पास हमेशा आती जाती रहती है खेलने के लिए शानवी के साथ, और बच्ची है छोटी है, हमारे घर सबसे पहली बार आई थी, तो हमने उसे कुछ नहीं दिया था, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगा कि मैं पैसे दे दूँ या कुछ, मुझे ऐसा फील होता है ना कि मुझे लगता है कि मैं कपड़े दूँ या फिर कुछ टॉय दूँ जो बच्चा इस्तेमाल कर सके। तो मैं आज गई थी मार्केट, तो मैं उसके लिए ये क्यूट सा फ्रॉक लेके आई हूँ। गाइज आप बताइएगा ये फ्रॉक कैसा लग रहा है, मुझे बहुत ही पसंद आया एकदम, ये एक नज़र में, और छोटी लड़कियों का तो इतना ज़्यादा ऑप्शन होता है ना, इतना ज़्यादा ऑप्शन होता है ना, लड़कों का मुझे समझ नहीं आता, बट लड़कियों का मुझे बहुत ही प्यारा प्यारा सा समझ में आता है, तो मुझे ये फ्रॉक अच्छा लगा। उसके बाद ली हूँ मैं शानवी के लिए ये पजामा, अगेन ट्रैवल के टाइम काम आएगा, क्योंकि अभी गर्मी है, एसी बोगी में ये बहुत काम आता है, तो ये लेगिंग्स और या पजामा कह सकते हैं। और उसके बाद मैं ली हूँ ये जूडियो के नेल पेंट्स, ये देख सकते हैं गाइस ये 4 नेल पेंट का सेट है, और इसमें बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग से कलर्स हैं, और अभी मैं जो लगाई हुई हूँ अपने नेल्स पे आप देख सकते हैं, लकीली मुझे वो कलर भी यहाँ पे मिल गया है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये एक नेल पेंट का सेट लेके आई हूँ। और उसके बाद मैं लाई हूँ ये फेशियल शीट मास्क, ये कोलेजन प्रोटीन वाला, ये शीट मास्क है, और इसे फेस पे लगाने से, और इसमें कोलेजन है, तो आपको जैसा कि पता ही होगा या जिनको नहीं पता है मैं बता दूँ, कोलेजन एक प्रोटीन है जो हमारे स्किन में पाया जाता है, और जो हमारे स्किन को टाइट और फॉर्म बनाए रखने में मदद करता है, और ये एज के एक एज आने के बाद ना ये धीरे 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 हमारे शरीर में कमता जाता है, और इसी वजह से स्किन थोड़ी लूज होती है, तो खैर मुझे ये दिख गया, तो मैं अपने लिए ये शीट मास्क लाई हूँ। अब इसका इस्तेमाल मैं कब करूँगी, किसी स्पेशल ओकेजन पे करूँगी या कब करती हूँ मैं देखती हूँ, अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। तो ये एक शीट मास्क, और ये एक मैं लाई हूँ ईयरबड, ये मुझे मिनीशो में दिख गया था, तो ये मैं मिनीशो से जूडियो से मतलब हम लोग हर जगह घूम घूम के शॉपिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक ही स्टोर पर गए और ले लिए, नहीं हम जूडियो जाते हैं मिनीशो जाते हैं, मतलब जहाँ जो अच्छा लगा हम वहाँ वो चीज़ ले लेते हैं।
स्पेशली मैं गई थी अपने कुर्ते के लिए, मुझे कुर्ता लेना था गर्मियों के लिए डेली वेयर, बट नहीं ली हूँ अभी, मुझे कुछ पसंद नहीं आया। मे बी यहाँ पे जो ट्रेंड्स का ब्रांच है वहाँ पे जाऊँगी किसी दिन तो लूँगी, फिर आपको व्लॉग में दिखाऊंगी। फिलहाल मैं जा रही हूँ रेस्ट करने क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यम्मी डिलीशियस टेस्टी सा चिकन रेडी हो चुका है, और ये देखिए कितना यम्मी और कितना डिलीशियस लग रहा है, और साथ के साथ मैं बनाऊंगी रोटी। सो गाइज मेरा खाना हो गया, और आज बहुत थक गई मैं, बहुत ज़्यादा थक गई, और आप देखें आज चिकन बना हमारे घर में, बट मैं उसकी रेसिपी शूट नहीं कर पाई, इतनी थक गई थी ना, इतनी थकान हो रही थी मुझे कि मुझे बिल्कुल भी शूट करने का मन नहीं हो रहा था। आपको जैसा पता है मेरे यहाँ चिकन आनंद ही बनाते हैं, और आज हम बिरयानी वगैरह नहीं बनाए थे, हम बस मस्त ग्रेवी चिकन और रोटी बनाए थे, एकदम फुलके गर्मा गर्म रोटी और चिकन एकदम खाने का वो था। बिरयानी खा खा के अब मैं बोर हो चुकी हूँ, मुझे बिरयानी मन नहीं कर रहा था खाने का, कई बार ना लाइट खाने का मन होता है, इसलिए भी मैं थोड़ा ऐसे चिकन तो हैवी है बट लाइट खाने का मन होता है तो मैं वो खा ली। सो गाइस खाना वाना सब हो चुका है, शानवी सो चुकी है, आनंद आईपीएल देख रहे हैं, और मेरा मन कर रहा है कि अब मैं भी जाके सो जाऊं, बट ये व्लॉग मैं पहले एडिट करूंगी और एडिट करके आप सभी के लिए अपलोड करूंगी कल सुबह के लिए। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो डैट नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।